एक मिनट मिनट, दो दो दो। कुछ खत्म हो चुका है। भिंडी तो खा रहे हो, दाना भी खाने के लिए तैयार रहो। पृथ्वी पे पहली बार बन रहा है भाई भिंडी का सब्जी। बरसों निकल जाएगा ये पूरा मसाला पी। क्या क्या कर रहे हैं? दो ना, मसाला पीस रहा हूँ ना। रुको, यहाँ दो। लो भाई, फॉर्म में आके एक्टिंग कर करके मसाला कौन पीसता है? सच में पीस रहा हूँ भाई, एक्टिंग थोड़ी कर रहा हूँ। तो पूजा दीदी ऐसे डायलॉग की तरह क्यों बोल रही थी अभी? तुम बोले थे क्या उसको बोलने के लिए? अब नहीं पीस पाऊंगी मैं, मुझे पीसना पड़ेगा। ये क्या हो रहा था भाई साहब? इसका बरसों निकल जाएगा ये पूरा मसाला पीसने में। हम पीसने को पीस देते लेकिन मेरा हालत थोड़ा सा ठीक नहीं है अभी, हाथ काम नहीं कर रहा है। पीसो, अच्छे से पीसो। लाओ तुम्हारा वीडियो बना दे हम। लाओ, ऐसे पकड़ते इसको ऐसे। भाई इस लड़के को खाना था भिंडी का सब्जी और इसी ने ये सारा मजमा इधर फैलाया है। और पानी का छिड़काव करो ऐसे। अरे रे रे, बाप रे, देख रहे हो? बस 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 बस, और ऐसे करना हाथ से सब। नहीं नहीं शिव, हाथ से नहीं टच करना, मिर्च है उसमें। चम्मच दिया तो है चलाने को। कहाँ चले गए भैया? फिल करना है। लाइव तो पृथ्वी पे पहली बार बन रहा है भाई भिंडी का सब्जी जिसमें तीन लोग मिलके बना रहे हैं। ये भगवान, सारा गोबर कर दिया इन लोगों ने। क्या ये सस्ता वाला, और कहीं भी कैमरा खोल के खड़ी हो जाती है। असली मेहनत तो शिवम कर दिया है इसके ऊपर। तुम क्या ये बना दिए हो इसको एकदम? अच्छा भला था सब घर में छिप छिप के रहती थी, इतना बढ़िया इसका तुमने वो कर दिया। मुंह में फेस पैक लगाए बेटा वरना कैमरा के सामने आ ही जाते हैं। हम जा रहे हैं फेस पैक धोने अपना। बना लो बेटा, तुम डालेंगे नहीं हम। भाई यहाँ पे इन लोगों ने मस्त चटाई लगाया है बैठ के खाना खाने के लिए। यहाँ पे शिवम आ गया और ये इंतजार कर रहा है कि पूजा दीदी कब खाना लेके आएगी और कब ये अपना कैमरा जो यंत्र है वो स्टार्ट करेगा। ये देखो मस्त एकदम। आज तुम लोग को क्या हो गया है शिवम? इतनी गर्मी में बैठ के तुम लोग यहाँ पे भोजन कर रहे हो हैं? भाई जो कब से बना रहे हैं इतने देर से, वो कहाँ गया? ए भाई क्या गेम कर रही हो? भाई यहाँ पे सारा खाना आ गया और जिसके लिए ये सब कुछ हुआ वही नहीं आया, तो वो कोई शख्स नहीं, वो भिंडी है। तो शिवम इधर आओ। शिवम, मंगल, तुम लोग का रिएक्शन साथ में लेना, इसलिए साथ में आओ। तुम लोग के फायदे के लिए मैं बता दूं कि मैं खा पी के बैठी हूँ इधर। हाँ, मुझे पता है। मैंने खा लिया है भिंडी और सच में बहुत टेस्टी बना था। चलो जितना तमाशा हुआ है भिंडी के लिए, फाइनली भिंडी आ गया। तुम बैठ के तो ये लोग ऐसे खा रहे जैसे कि उफ भाई। इस भिंडी को बनाने में इतना ज्यादा करेला डाल के खा है। अरे करेले वाले सब्जी सही है। अरे छोका बचाऊंगा, रुक ले। क्या चम्मच से निकाल लिया और फिर वो दाल में डाल दिया, बोल रहे हैं कि दाल में करेला है। पूजा दीदी आज इतना मेहनत से इतना कुछ बनाई है ना, अभी बात सुनिए, नहीं तो आ जाएगी तो नहीं बोल पाएंगे। ये भगवान, ये वाला प्लेट पूजा को देना, ठीक है ना? पूजा को। अरे राम, अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं करो। सुनो सुनो शिव, भिंडी का सही टेस्ट मिलना चाहिए। नहीं नहीं मंगल, हटा उसको, हम बोल देंगे आएगी तो। शिवम ए, अब देखना आज जितना काम किया ना, ये थकान ये पिछले आने वाले 10 दिन तक याद दिलाएगी पूजा कि उस दिन इतना खाना बनाया था, उसका थकान अभी तक है मुझे। अब तुम लोग इंतजार करना मंगल, भिंडी तो खा रहे हो, ताना भी खाने के लिए तैयार रहो। पूजा रुको 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 रुको, तुम्हारे लिए कुछ है, संदेश है। ये वो जो चावल है ना, मंगल नीचे से उठा के रखा है। एक मिनट मिनट, दो दो दो, चिड़िया को डाल देंगे। दो अब निकालो, बचा लिए पूजा हम तुमको। इन लोगों को खाते हुए देख के ना सच में मुझे दोबारा भूख लग गया, और दोबारा जब तक भूख लगा तब तक सब कुछ खत्म हो चुका है। नहीं थी ना, कुछ भी नहीं लिए थे हम, कुछ भी नहीं। जिस तरीके से तुम लोग खा रहे हो ना बेटा मजे में, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया है। भिंडी और पहले खाओ। अरे बाप रे बाप, अरे बाप। और मंगल, खीरा नहीं बताया तुमने, चटनी, टमाटर। अरे घर का है, यही सामने तोड़ के लाए हैं। तोड़ के लाए हैं। सब मगन होके ऐसे खा रहे जैसे कि अरे भाई साहब, इसके बाद जल्दी जल्दी खा लो, तो चलना है इसके उसके लिए। हमारा प्लेट बहुत मेसी हो चुका है, इसमें झांकने की कोशिश ना करें। ये सबका ऐसे ही होता है यार, कौन ऐसे खाता है भाई? है शिवम,
लोग अच्छे से मतलब खाते हैं क्या, सफाई से भी खाते हैं क्या पूजा दी? अरे रे, ये जिसको एक प्लेट में सब कुछ लेना है भाई, हम लोग ज्यादा चम्मच कटोरी नहीं कर सकते हैं, वरना किचन में जैसे ही रखने जाएंगे मम्मी का जूता चप्पल पड़ने लगेगा क्योंकि घर पे कोई काम करने वाला है नहीं भाई। इसके मुंह पे पसीना देखो भाई, कितना ज्यादा पसीना आ रहा है शिवम। किस तरीके से आप जल्दीबाजी में खा रहे हैं? कहाँ जल्दीबाजी में खा रहा हूँ? देख, रख दिया बड़ा वाला बाइट, रख दिया। इससे पहले बड़ा बाइट खा रहा था, गलती से उठा लिया था। अरे गलती से उठा लिया था क्या बोला? फिर से बोलता हूँ, गलती से उठा लिया था। ये मेरे पे बिछड़ा, मुझे लगा कि पूजा को खिलाना है मेरे हाथ से। शिवम पर खिलाना भाई प्लीज। अच्छा, मंगल के हाथ से जो खा लेगा उसको 500 रुपया इनाम मेरे तरफ से। ना भैया, तो तुमको नहीं पता है मंगल ने सारा मसाला पीसने में हेल्प किया था? अरे किया होगा, छुआ नहीं था वो, मुझे पता है। शिवम 500 रुपया, 1000, कोई जो नहीं आपको हम 1000 देते हैं आपका। 2000 मेरे हाथ से, मतलब वो टोली मेरे हाथ से। तुम्हें तुम्हारा हाथ इतना गंदा रहता है कि तुम खुद अपने हाथ से नहीं खाते हो भैया, इसलिए। भाई घर पे अभी कोई है नहीं काम करने वाला, और हम जो है इस घर के फिलहाल नौकर। मैं थोड़ा करके 8-10 भिंडी खा चुकी हूँ। शिवम कंट्रोल कर भाई, मम्मी पापा मुझे भी थोड़ा सा खाना है, बाद में खाएंगे हम। क्यों मिलेगा तुमको ये बताओ। अरे बाप रे, इसका हालत पतला हो गया भाई, पीछे जो ड्राम रखा है ना मस्त लग रहा है वो। शिवम ठीक हो हैं? दबा दबा, बहुत है, खाओ खाओ। शुरुआत अभी और खाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, खाओ। बहुत अच्छा यार, कितने करेला कोई नहीं खाया। वाह, मम्मी को बुला, मम्मी रुको, बुला रहे हैं हम। ऐसी कैसी धरा का धरा रह गया, चलो फटाफट से फिनिश करके इधर प्लेट दिखाना तुम सब लोग कैमरे में। शिवम बहुत ही जल्दी में खा के उठ गए, जबकि सबसे ज्यादा इन्होंने ही खाया है ना। कैसे पता? मुझे पता है भाई, क्योंकि पात में ना मतलब जैसे किसी के यहाँ शादी वादी होता है ना, ऐसे बैठा के जब खिलाते हैं तो शिवम 8-8 पूरी खा जाता है लोगों के कंपैरिजन में। आधे मिनट में गया ही नहीं मैं, ये झूठ बोल रही है। अरे मुझे पता है भाई, अरे भाई शिवम पूरी खाता ही नहीं है। नहीं आंटी तो जान लो। अरे यार सबको पता है मैं पूरी खाता ही नहीं यार। अरे यार ये ऑफ कैमरा खाता है भाई। नहीं नहीं नहीं, ऑफ कैमरा खाता है तभी तो रूम में धमाल मचाता है। नहीं पूरी खाने से याद आया, मैं तो पूरी खाता ही नहीं। हम सब भाई बहनों में एक मैं हूं जो कभी कभार खाती हूं पूरी, मतलब जो खा लेती है खुशी से, नहीं तो इनमें से सबको तेल लगता है पूरी के अंदर में। इसके शरीर पे मत जाना भाई, सबसे ज्यादा यही खाता है। हाँ क्या कह रहे थे, बोल बोल। मेरा नाम मंगल है। मैं पिछले तीन दिन से बहुत परेशान हूँ। मेरा इधर इधर के साइड का ऊपर वाला जो दांत है वो निकल रहा है, हर रोज रात में फीवर हो जा रहा है हमको, और हम 3 दिन से सोए नहीं थे और खाए भी नहीं थे, तो इतना खाते हुए देख के आप ये ना समझे कि हम हर रोज इतना ही खाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से, मेरा नाम मंगल है। भाई थोड़ी देर बाद अगर मेरा कैमरा इधर आया ना, ये सब खाली मिलेगा आपको, और उसके बाद भी ये बंदा कहेगा कि मैंने नहीं खाया। ये मंगल, ये मिर्च है, नींबू है, उसको भी निचोड़ ले भाई। क्यों छोड़ रहा है उसको? बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अरे रे, अभी हम 3 दिन बाद खा रहे हैं, मतलब सही सोचो आप कि हम इतना खाना सुबह शाम खा के हम 3 दिन से थे, कटोरी में मिला मिला के। इसकी बातों को सच ना माने, ये झूठ बोल रहा है। पागल हो क्या कि नहीं? ये एकदम केवल सच झूठ बोल रहा है ये। अभी सब लोग मान लेंगे यही बात कि हम झूठ बोल रहे हैं। हाँ, अरे यार नहीं है तो सही, इसके मुंह में प्रॉब्लम, लेकिन अभी फिलहाल ये झूठ बोल रहा है। कौन सा बात है? पता नहीं कौन सा बात। बाहर बहुत है गर्मी, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। बाय बाय मंगल, हटा देना सब कुछ। मैं नहीं हटाऊंगा। और सुनो, इसके बाद ना ये चलना है, इसका एक्सरे कराना है ना हाथ का, चलो कराने के लिए। फिर फोन करके बात करो, उसके बाद चलो। तो अभी वाला जो व्लॉग था ना, वो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ किसी को लेने के लिए। तो किसको लेने के लिए जा रही हूँ वो आप व्लॉग देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा। तो वो आएगा नेक्स्ट व्लॉग में कि कौन आया है, कोई स्पेशल पर्सन आने वाला है, मतलब मेरे लाइफ से रिलेटेड। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, उम्मीद है कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम।